गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एलुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश गणित क्लास सेवन्थ की वर्कशीट है, टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। देखिए, त्रिभुज का बाह्य कोण और उसके गुण के बारे में बात करते हैं कि एक त्रिभुज का बाह्य कोण बनता है जब त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाता है और प्रत्येक शीर्ष पर दो तरह के बाह्य कोण बनाए जाते हैं। ठीक है, आओ कागज को काटने से पहले वृत्त का त्रिभुज देखिए। एक त्रिभुज बनाओ, बना लिया। अब त्रिभुज का अक्ष यानी ट्रेस कॉपी कीजिए, कॉपी कर लिया। अब ए को लाल, बी को नीला और सी को हरा रंग करें। अब ये त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाइए। तो हम डी तक बढ़ाएंगे ऐसे, क्योंकि बना रखता है कि कोण ए सी डी जो ये बन रहा है बाह्य कोण बन रहा है। अब देखेंगे इस पे आप ए और बी को चिपकाएंगे ना, ए को और बी वाले हिस्से को चिपकाएंगे यहाँ पे, ये पूरा कवर कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण क्या नाम है इसका, कोण ए सी डी, ये कोण ए प्लस कोण बी के बराबर है। रीजन क्या है, बाह्य कोण। क्या रीजन है बच्चों, बाह्य कोण। क्लियर हो गया, हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंत सम्मुख अंत कोणों के बराबर होता है। यानी कभी भी त्रिभुज बना रहे हो आप, ये कोण बन रहा है, ये कोण हमेशा जो अंदर के दूसरे दूर के होते हैं ना, इस वाले को नहीं लेना, इन दोनों के योग के बराबर होते हैं। अब मान लो आपने इधर बनाया, बताइए कौन से दो कोणों के बराबर होगा, ये और ये। क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बाह्य कोण समान होते हैं, तो बना के देखिए। क्या सोचिए कि त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल रेखा भी हो सकता है, 45-45-90 डिग्री आता है, सोचिए इस बात को, 90-90 भी हो सकता है ना। तो इसको आपको ध्यान से सोचना है, पाठ के देखना है क्या कोई सरल रेखा हो सकता है। तो चलिए, अब अज्ञात बाह्य और अंतर कोण x निकालना है, ध्यान से देखना है, चाहे कितना सकता हूँ x निकालना है। और ये 70 डिग्री है, जैसा ये इधर की तरफ देख सकता है, तो x बराबर हो जाएगा 50+70 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो x आ गया 120 डिग्री। आपको रीजन लिखना है, क्या है ये बाह्य कोण, प्रिंटिंग बहुत कर लेते। यहाँ पे x है, यहाँ 120। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मैंने ठीक कर दिया इसको अभी। तो देखिए, जो 120 है ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, 60+x, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो बाह्य कोण के बराबर आता है। तो रीजन क्या लिखते हैं, बाह्य कोण। ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा, 60 को इधर भेज दोगे, 120-60, तो एक्स सीधा कर लो, 120 में 60 गया, 60 डिग्री आ गया है एक्स का मान। ऐसे तीसरा प्रश्न है, तीन कुछ गलत ही बना रखता है, ठीक देख लेते हैं एक बार इसका चित्र भी। तो ऐसे बनाऊंगा है ना, अंदर एक्स 75 बाहर है, सोने में देख लिया ये एक्स है, ठीक है, ये ऊपर का प्लेन था, ये मतलब। तो हम जानते हैं ना कि इन दोनों को जोड़ने पे 75 होगा, x+35=75 डिग्री। रीजन आपको बार बार बता रही है, बाह्य कोण कितना ही लिखना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 75 में से 35 घटा दीजिए, डिग्री है ये तो 40 डिग्री आ गया x का मान। ठीक है, ये कोण 40 डिग्री आ गया, इन दोनों का जोड़ 75 होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चे। टेक केयर।